ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक नहीं जान पाए हैं। इनमें से एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक वैज्ञानिक खोज रहे हैं, उसे कहते हैं डार्क मैटर। वैज्ञानिकों की माने तो ब्रह्मांड का 80% हिस्सा ऐसे पदार्थों से बना हुआ है जिसका वैज्ञानिक पता नहीं लगा सकते, और इसे ही वैज्ञानिक डार्क मैटर का नाम देते हैं। डार्क मैटर के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिस्सा ऊर्जा या रोशनी प्रतिबिंबित नहीं करता, और यह हिस्सा कहाँ है इसका अभी तक पता लगाना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि तारों की गति से इनकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है। सालों पहले वर्ष 1950 में जब दूसरी आकाशगंगाओं पर अध्ययन करना शुरू किया गया, तब वैज्ञानिकों ने माना कि ब्रह्मांड में काफी अधिक ऐसे पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके बाद से ही इन पदार्थों को देखने की इच्छा हुई और उन्हें खोजने का सिद्धांत शुरू किया गया। दरअसल आकाशगंगाओं की खोज में तारों का पीछा करते हुए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को खोजा, लेकिन वो इसके बारे में कभी सही जानकारी नहीं जुटा सके। इसके बाद भी वैज्ञानिक लगातार खोज में लगे हुए हैं। इसी से संबंधित येले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर वर्न डोकुम ने एक टीम के साथ मिलकर ड्रैगन फ्लाई 44 नामक आकाशगंगा की खोज की, जो पूरी तरह से डार्क मैटर से भरी हुई थी। यहां उन्होंने पाया कि जो भी दिखाई देता था वो सतह पर संकेंद्रित थे, लेकिन उनकी गति तारों के मुकाबले कई गुना तेज थी। उन्हें अलग अलग दिशाओं में बहता हुआ देखा जा सकता था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आकाशगंगा में एक ऐसे जगह पर ऐसा कोई पदार्थ है जो दिखाई नहीं देता, और इसे ही फिर से डार्क मैटर का नाम दिया गया।